गाइस तो मैं आप जितेंद्र जैसा फिर हाजिर हूँ नए ब्लॉग के साथ। तो आए गाइस स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग हो रहा है सुबह लगभग 1 बज चुके हैं। हेलो 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 भैया यहाँ पे। तो मैं बाहर बैठा हुआ था, मतलब ब्लॉग इंटरव्यू शुरू कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं गया था क्रिकेट में लाइव चलाने के लिए, लाइव से वापस आ रहे हैं। तो मेरे लुक्स को इग्नोर कीजिएगा, अभी नहाया नहीं मैंने, 1 बज चुका है अभी तक नहाया नहीं, क्योंकि आज है बहुत ही अच्छा दिन, बहुत ही अच्छा दिन। आज दो खुशखबरियाँ हैं हमारे आज के दिन में, मतलब आज मेरी दीदी का बर्थडे भी है और भैया भाभी की एनिवर्सरी भी है। तो आज का ब्लॉग में काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज का ब्लॉग आप पूरा देखना, आप काफ़ी मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइस अभी हम जाते हैं अंदर, भैया भाभी को सरप्राइज़ देते हैं, मतलब उन्हें पता तो होगा ही उन्हें उनकी एनिवर्सरी, हम लोग के भैया जा रहे हैं, टाइम हो गया, भैया 2 बजे ड्यूटी जाते हैं, भैया का टाइम हो चुका है, भैया सरप्राइज़ देते हैं। रात को लेट आएंगे तो फिर मॉर्निंग हो नहीं पाएगा। सर जी नमस्कार। सर जी हैं भैया सरप्राइज़ देते हैं, चलते हैं अंदर। हमारे साथ हैं हमारे भाई भाई हमारे करिया, हमारा नाम सुने होगा समीर यादव। कान पकड़ सॉरी भैया, छोड़ो चलो सरप्राइज दें भैया, चलो। हम लोग लेट हो चुके हैं, भैया जा रहे हैं जल्दी से, अब ड्यूटी भी नहीं है तो हम लोग शाम को बनाएंगे यहाँ पर। हैप्पी एनिवर्सरी सर। भैया ने जो कहा था बता दो भैया, हाँ एनिवर्सरी पे क्या होना चाहिए? भैया बोल दो भैया ने एफ कैमरा में बहुत अच्छी बात कही थी, बताएंगे नहीं। हम भाभी से मिल के आते, भैया ने अच्छी बात कही, हम बताएंगे नहीं, कह रहे हम। भाई भैया ने क्या कहता हूँ आपसे, हैप्पी एनिवर्सरी माँ जी, हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू। बस भैया कह रहे हर एनिवर्सरी पे एक नई बीवी होनी चाहिए। हाँ भैया का सजेशन ये था, कह रहे हर एनिवर्सरी पे एक नई बीवी मिलनी चाहिए। उसने कहा अगर मैं ये नियम लागू करता हूँ तो मुझे पता है मैं 10 दिन के अंदर सीएम बन सकता हूँ, या सीएम नहीं तो प्रधानमंत्री जरूर बनूंगा। देखो मैं दोनों किराया लेता हूँ, क्या है आपकी क्या राय? अगर भैया की जो बात कही है कि हर एनिवर्सरी पे एक नई बीवी मिले, हैं नई बीवी मिलेगी तो क्या कहना चाहोगे इस विषय में? भैया को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे फिर। तुम ही बनाओगे? देखो भाई सब लोगों का सहमत यही है कि अगर ये नियम होता है तो आप लोग भी कमेंट में बताना कि ये नियम लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बस लेकिन शाम को हम लोग एनिवर्सरी बनाएंगे। भैया लेट हो रहे थे, हम लोगों ने केक जो ऑर्डर किया था वो आने में लेट हो गया थोड़ा सा, शाम को बनेंगे। तो आज का पूरा देखना, मजा तो आज आने वाला है ना, बहुत मजा करेंगे, बहुत मजा करेंगे। आज समीर भाई हमारे बालों में तेल डालते हुए, मैंने अभी मैं सोचा अभी नहाया नहीं है तो बालों में तेल डाला लेते हैं, बहुत दिनों से तेल नहीं डाला था। तो हमारे समीर यादव जी हमारे बालों में तेल डालते हुए, इतना सम्मान है देना पड़ता है ना भाई, कुछ कर रहा है हमारे लिए है अच्छा भाई, थोड़ी बहुत करने पड़ा भाई, सम्मान हम करो, काम कर रहा हो तो करना नहीं पड़ेगा। हमारे बालों में तेल डाला है, इसके बाद हम नहाएंगे, आपको दिखाएंगे अपनी अच्छी शक्ल, अभी गंदी शक्ल लग रही है हमारी। वाह मजा आ गया। अगर आपको मसाज करवानी हो, बालों में तेल डलवाना हो, संपर्क करें समीर यादव से, गणेशपुरा, नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, जरूर संपर्क करें समीर यादव गणेशपुरा। और समीर 50 रुपये में डालते हैं ये बालों में तेल, मैंने 50 रुपये दिए अभी तक। तो गाइस मस्त नहा लिया है, मस्त रेडी हो चुके हैं, अभी दिन के 2 बज गए, मैंने अभी कुछ नहीं खाया, 2 नहीं मतलब 3 बज गए ऑलमोस्ट, कुछ नहीं खाया, अभी कुछ खा लेते हैं पहले, देखते हैं क्या बनाया भाभी ने। और हमारे गधेड़े भी आ चुके हैं स्कूल से, आजकल तुम्हारी बहुत शिकायत आ रही है स्कूल से, हैं इधर सुनो, इधर पढ़ते पढ़ते नहीं हो तुम, हैं चलो ठीक आ रहा हूँ, तो खाना खा लगवाओ, हैं कपड़े चेंज करो, खाना लगवाओ, आ रहा हूँ, ठीक है ओके। और लंच में बना हुआ है आलू की सब्जी, चटनी और सलाद और रोटी, चलिए अभी हम खाते हैं खाना, आप भी खा लीजिए। इधर आ, इस तरह आओ, तुम्हें एक बात बताएं, तुम्हें पता आज मम्मी की एनिवर्सरी है, पता है नहीं पता? पता है झूठ बोल रहा है, एनिवर्सरी माने क्या होता है पता है? एनिवर्सरी माने होता है शादी की सालगिरह, क्या होता है? मम्मी की साल की साल 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 गिरा है ना, बताओ फिर।
कितने साल हो गए शादी को? बहुत कितने? 16. कितने हो गए? 16. तो मम्मी तुमने विश किया मम्मी को? विश किया? चलो मम्मी को विश करके हैप्पी एनिवर्सरी वाली बोलो जल्दी बोलो बोलो जल्दी मम्मी को बोलो जल्दी मम्मी हैप्पी एनिवर्सरी. यहाँ हो रही थी पढ़ाई पर यहाँ हो चुकी है पिटाई. यहाँ पर हो चुकी है पिटाई, कंजपाल की पिटाई. ये देखो किस तरीके से रोते हैं. यहाँ पर पढ़ते मरते हैं नहीं, ये बस रोते रहते हैं. क्या कर दिया हमने? क्या हुआ जान? रो रहा है. चलो हम जा रहे हैं केक लेने. हम जाए केक लेने? ठीक है चल रहे केक लेने. चल रहे आ जा. चलो केक लेने चल रहे अपन. आ जा ठीक है. तुम रो लो. चलो रो हम केक लेके आ रहे. ठीक है चलो. यहाँ पर ये आए हैं देखो रोते रोते केक लेने के लिए मम्मी पापा के लिए. अभी देखो ये इन्होंने केक ले लिया. अभी यहाँ पर ये देखो कि ये कैंडल. अब खुद माँ बता गुस्सा दिलाता है मेरे को. खुद मार दिया क्या रोते रोते कैंडल. देखो ये बढ़िया केक लग रहा है हमारा. ये देखो यहाँ पर हो रहे हैं. चलो अब चल. सॉरी 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 यार सॉरी सॉरी जान जान सॉरी सॉरी सॉरी. अरे ठीक है आप निकाल. सॉरी नहीं अब नहीं करेंगे बस सॉरी. ठीक है कि पहले ये केक देखो अच्छा लग रहा. केक तो देखो अच्छा लग रहा. देखो खोल के देखो प्लीज यार. देखो केक देखो सही लग रहा. चल लेके चलो अंदर. ले उठाओ उठा लो उठा लो सर. ले ले लो ले लो. वो चक्कू भी लगो सर. चक्कू रखिए मोमबत्ती रखिए. ले लो गुड यार. चलो चलो केक खाएगा आज कुंजपाल. चलो अंदर. तो गाइस ब्लेंड में थोड़ा चेंज है को. अब ये वाला केक नहीं हम लोग यार ये वाला क्योंकि भैया को चॉकलेट पसंद है तो हम लोग खाएंगे आइसक्रीम वाला केक है ना. खाएंगे खाओगे ना? तो हम लोग ले आ रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट आइसक्रीम केक. ये वाला रख देते हैं. चलो ये रख दें. ठीक है चलो ये काटेंगे. हम लोग काटेंगे बाय. गुड नाइट. यादे यादे.